नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश पवार, नेशनल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बायोलॉजी का अध्ययन करवाऊंगा। तो अपने सिलेबस के अनुसार बात करते हैं तो अपने इस जीव विज्ञान ट्वेल्थ बायोलॉजी के जीव विज्ञान में कुल 10 यूनिट दी गई है। 10 यूनिट में से 5 यूनिट आपके जो प्रथम 5 यूनिट है वो पादप कारिकी की है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कारिकी से संबंधित है 5 यूनिट, और 5 यूनिट आपकी ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर रचना से संबंधित 5 यूनिट है। तो कुल 10 यूनिट आपके सिलेबस में है, ट्वेल्थ बायोलॉजी के सिलेबस में कुल 10 यूनिट है, जिसमें से जो पेपर होता है वो 56 मार्क का या 56 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर होते हैं, जिनमें से 56 नंबर होते हैं वो आपके ये लिखित वार्षिक पेपर होगा, बोर्ड का एग्जाम, और 44 नंबर पीछे रह गए हैं वो आपके सत्रांग है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, उनके माध्यम से आपको संस्था की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इनमें से अपन ये जो 5 यूनिट पादप कारिकी की और 5 यूनिट है मानव शरीर रचना ह्यूमन एनाटॉमी की जो है, उनमें से अपन एक यूनिट है जो ह्यूमन एनाटॉमी से संबंधित है, वो है आपके यूनिट नंबर जो नाइन्थ है वो कौन सी है आपके, वो है अनुवांशिकी से संबंधित, यानी जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स यानी अनुवांशिकी से संबंधित है। तो उसमें जो पहला टॉपिक है अपना 9वीं यूनिट के अंतर्गत, वो है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होती है? सबसे पहला आपको अनुवांशिकी की परिभाषा देखनी है, परिभाषा यानी विज्ञान की जिस शाखा में लक्षणों की जो वंशागति होने का जो अध्ययन किया जाता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचरित होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिकी के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किन्होंने किया था? अनुवांशिकी के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अपन ये देखते हैं कि अनुवांशिकी का जनक इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि अनुवांशिकी से संबंधित यानी जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित होने वाले लक्षण है, इनका विस्तार से इन्होंने वर्णन किया था, उससे संबंधित कुछ नियम इन्होंने दिए थे, और ये जो नियम है वर्तमान में जितने भी प्रकार की जो संकर किस्में है या कुछ इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं उनके माध्यम पर ये लागू होते हैं, इसीलिए इन नियमों का सत्यापन भी किया गया। तो सत्यापन करने पर भी ये मेंडल के नियम सही साबित हुए, इसीलिए मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो मेंडल का ये जो नियमों को या मेंडल से संबंधित जो अनुवांशिकी का जब अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले मेंडल का थोड़ा जीवन परिचय देखते हैं। ये जो अनुवांशिकी के जो जनक है डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल, तो मेंडल का जो जीवन परिचय है वो क्या है? कभी कभार एग्जाम में इन मेंडल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने अपना जो शोध पत्र किसके समक्ष प्रस्तुत किया था, इन्होंने किसके ऊपर अध्ययन किया था।
तो मेंडल का जो जीवन परिचय यह है कि मेंडल का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म सन 1822 में हुआ था, इनका जन्म सन 1822 के अंतर्गत हुआ था। अब कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के वियना प्रांत में हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना प्रांत में, ऑस्ट्रिया के वियना प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अनुवांशिकी से संबंधित अध्ययन करने के लिए मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। इसके ऊपर क्या था? मटर के पौधे पर। कौन सा मटर था? उद्यान मटर, उद्यान मटर। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। ये वैज्ञानिक नाम है तो इसको नियमानुसार अलग अलग इसकी अंडरलाइन करनी होती है। ये जाति और वंश का जो होता है इसमें स्टार्ट। तो ये उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। तो मेंडल ने अपना जो प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर के पौधे पर किए थे। तो इन्होंने अपना अनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा चुना था। और मटर के पौधा इन्होंने क्यों चुना? मटर के पौधे के कारण इनको सफलता किस प्रकार से मिल पाई, ये अपन अभी आगे देखेंगे। तो इन्होंने ये जो मटर का जो पौधा चुना था वो उसका साइंटिफिक नेम आप जरूर याद रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या, तो पाइसम सेटाइवम मटर का पौधे का वैज्ञानिक नाम है ये। अब इन्होंने अपने अनुवंशिकी के नियमों में 34 प्रमुख विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था, विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था, 34 प्रमुख विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था, जिसमें से 7 प्रमुख है, इसमें से 7 प्रमुख विप्रियासी लक्षणों के आधार पर, प्रमुख विप्रियासी लक्षणों के आधार पर, प्रमुख विप्रियासी लक्षणों के आधार पर इन्होंने अनुवांशिकी से संबंधित नियम दिए थे। इन्होंने अपने जो अनुवांशिकी से संबंधित प्रयोग किए थे वो दो विधियों पर किए थे, दो विधियों के आधार पर किए थे। दो विधियां कौन कौन सी थी? नंबर 1 थी एक संकर संकरण विधि, एक संकर संकरण, और दूसरी थी द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। अब ये क्या होता है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ये अभी अपन इससे संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावली देखेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। तो इन्होंने अपने जो 34 प्रमुख विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया था उसके उसमें से 7 प्रमुख, ये जो अनुवंशिक संबंधित जो नियम दिए थे वो 7 प्रमुख लक्षणों के, विप्रियासी लक्षणों के आधार पर प्रतिपादित किए थे। तो ये जो नियम दो विधियों के आधार पर थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण विधि। अब इन्होंने कुल 30,000 पौधों पर अपना प्रयोग किया था, कितने पौधों पर? 30,000 मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। इन्होंने जो प्रयोग के दौरान जो भी इन्होंने अपना जो शोध पत्र तैयार किया था, वो जो शोध पत्र था वो एक यूरोपीय संस्था थी, नेचुरल ग्रोन सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री, उसके समक्ष प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपना जो शोध पत्र था वो नेचुरल ग्रोन सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री, एक यूरोपीय संस्था थी, उसके समक्ष इन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इनका जो शोध पत्र था, इनका जो शोध पत्र, वो पादपों में संकरण के प्रयोग, पादपों में संकरण के प्रयोग, संकरण के प्रयोग, पादपों में संकरण के प्रयोग नाम से प्रकाशित हुआ था। मेंडल का जो शोध पत्र था, जो अनुवंशिकी के नियमों पर था, वो पादपों में संकरण के प्रयोग से इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो मेंडल थे इन्होंने मटर के पौधों पर कार्य किया था। अब ये कार्य उन्होंने किस पद पर रहते हुए किया था? इन्होंने ये जो कार्य किया था एक चर्च के अंदर, ये पादरी थे, चर्च में पादरी के पद पर थे, पादरी का मतलब पुजारी, पादरी के पद पर, यानी जैसे अपने हिंदू धर्म में जो मंदिर होते हैं पवित्र स्थान, तो उनमें जो पूजा करने वाला जो होता है वो पुजारी कहलाता है, जबकि ये जो ईसाई धर्म से संबंधित थे तो ये इनका जो धार्मिक स्थान चर्च होता है और उसमें ये
पादरी के स्थान यानी पुजारी थे। तो इस पद पर रहते हुए इन्होंने ये अनुवंशिकी से संबंधित नियम मटर के पौधे पर प्रयोग करके प्रतिपादित किए थे। इनका ये जो मृत्यु हुई थी वो सन 1834 में इनकी मृत्यु को सॉरी 84 में सन 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, माना जाता है कि वर्क शौच के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके कारण वर्क शौच के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जनरल सा मेंडल से संबंधित जीवन परिचय था। तो मेंडल ने अपने पूरे अनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग प्रयोग किया था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मटर के विभिन्न पौधों पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। अब अपन आगे देखते हैं कि इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना था, मेंडल ने मटर का पौधा ही अपने प्रयोग में क्यों चुना था। मटर के पौधे का चयन करने का कारण, तो मेंडल ने मटर का पौधा इसीलिए, देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, दूसरा कोई पादप क्यों नहीं लिया था। देखो एक ये क्या होता है, ये कम स्थान में उगने वाला पौधा होता है, छोटा पादप होता है। इसके अलावा ये एक वर्षीय शाकीय पादप होता है, इसलिए ये आसानी से मिल जाता है। एक वर्षीय शाकीय पादप होता है, कम स्थान में उग जाता है, ये आसानी से मिल जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा ये जो पौधा होता है ये द्विलिंगी पादप होता है, अतः इसमें सौ परागण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें संकरण की प्रक्रिया भी संभव है, इसके अलावा पर परागण भी करवाया जा सकता है, देखो सौ परागण इसके अंदर प्राकृतिक रूप से सौ परागण पाया जाता है, सेल पोलिनेशन होता है, क्योंकि पुष्प की कुछ स्थिति इस प्रकार की होती है, तो इसमें आसानी से सौ परागण होता है, जबकि इसमें पर परागण भी संभव है, पर परागण भी इसमें करवाया जा सकता है। तो ये कम स्थान में उगने वाला पादप होता है, एक वर्षीय पादप होने के कारण एक बार में कई मतलब कम समय में अधिक लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है, अधिक लक्षणों का अध्ययन संभव है। इन सभी लक्षणों के कारण कम समय में अधिक लक्षणों का अध्ययन संभव है। कम स्थान में उगने वाला होता है, छोटा पादप होता है, शाकीय पादप होता है। तो इन सभी सुविधाओं को देखते हुए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। अब मटर के पौधे में इन्हें सफलता किस प्रकार से मिली, सफलता के कारण अनुवंशिकी के जो नियम दिए थे उन नियमों में सफलता के क्या क्या कारण रहे थे। तो सफलता का इन्होंने कारण प्रमुख ये थे, ये सबसे पहला कारण अपन देखें तो इन्होंने प्रत्येक प्रयोग का रिकॉर्ड रखा, या इनके द्वारा जो भी प्रयोग किए गए थे उनका रिकॉर्ड बनाया गया, यानी लिखित रिकॉर्ड रखा था। ठीक है, प्रत्येक प्रयोग का लिखित रिकॉर्ड इन्होंने रखा था। इन्होंने संकरण
में संकरण संकरण में स्वच्छ एंड शुद्ध पादप प्रयुक्त किए, यानी इन्होंने जो भी पौधे संकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त किए थे वो सभी पौधे इस प्रकार से शुद्ध पादप थे, यानी उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष या कोई आनुवंशिक त्रुटि उनमें नहीं थी, सभी प्रकार के स्वच्छ पादप थे, शुद्ध निरोग पादप कोई नहीं था, यानी सभी अच्छे पौधे काम में लिए थे। ये इन्होंने सभी पौधे अच्छे शुद्ध पौधे काम में लिए थे, प्रत्येक प्रयोग का इन्होंने लिखित रिकॉर्ड रखा था। इस कारण मेंडल को सफलता प्राप्त हुई थी अनुवंशी के नियमों को सिद्ध करने में। तो प्रत्येक प्रयोग का इन्होंने लिखित रिकॉर्ड रखा था, इन्होंने प्रत्येक प्रयोग में जो भी पादप काम में लिए थे वो शुद्ध पादप इन्होंने काम में लिए थे, तो इस कारण मेंडल को सफलता मिली थी। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो मेंडल के नियमों से पहले ही अनुवंशिकी के बारे में खोज हो चुकी है। तो अनुवंशिकी के बारे में जो पहले खोज हुई थी उसको पूर्व खोज के नाम से जाना जाता है, मेंडल के नियमों की पूर्व खोज। तो पूर्व खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नाइट तथा गॉस, नाइट एंड गॉस, ये मेंडल के नियमों के पूर्व खोजकर्ता थे। इंपॉर्टेंट चीज है ये, मेंडल के नियमों के पूर्व खोजकर्ता। लेकिन इनका कोई भी लिखित अपने प्रयोगों का रिकॉर्ड नहीं होने के कारण इनको मान्य नहीं किया गया। उसके पश्चात मेंडल ने जो भी अपने जो नियम दिए थे अनुवंशिकी के, तो उन नियमों को सत्यापन करने के लिए, मेंडल के नियमों का सत्यापन करने के लिए इन अनुवंशिकी के नियमों पर पुनः खोज हुई, जिसे मेंडल के नियमों की पुनर्खोज के नाम से जाना जाता है। और ये जो पुनर्खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो पुनर्खोजकर्ता कहलाए, पुनर्खोजकर्ता। अब ये पुनर्खोजकर्ता कौन थे? ये पुनर्खोजकर्ता तीन प्रमुख वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? एरिक वॉन शेरमैक, कॉल कॉरेंस और ह्यूगो डी ओरिज। ये जो तीन वैज्ञानिक थे इन्होंने मेंडल के नियमों का सत्यापन करने के लिए अनुवंशिकी के नियमों पर पुनः प्रयोग किए थे, इसीलिए इन्हें मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता कौन है बताइए। तो मेंडल के नियमों का सत्यापन करने के लिए इन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी, और इन्होंने ये जो मेंडल ने जो अपना जो नियम और सिद्धांत जो दिए थे नियमों के अनुसार, तो वो चीज इन्होंने पुनः प्राप्त की या पुनः इनके द्वारा ही पाई गई, तो मेंडल के नियमों को सही मान लिया गया। इसी आधार पर मेंडल को ही अनुवंशिकी का जनक माना जाता है। तो ये मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता और ये वाले है पूर्व खोजकर्ता। अब नियम दिए थे मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग करके, वो दो विधियों पर आधारित थे। कौन कौन सी थी दो विधियां? ये थी आपके एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो इस आधार पर मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, वो कौन कौन से नियम थे? एक संकर संकरण विधि थी, इस विधि के आधार पर इन्होंने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम था विसंयोजन का नियम, या आप इसे कह सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। एक और नाम है इसका पृथक्करण का नियम या पृथक
करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसके अलावा ये जो प्रभाविता का नियम था, इस नियम को भी आगे, इसके भी दो पार्ट हो गए थे, या दो इसके जिसको मान सकते हैं आप अपवाद थे। ये नियम है, इस नियम के अपवाद थे, एक्सेप्शन थे दो, ठीक है। कौन कौन से थे? नंबर वन अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। और जो दूसरा मेथड है द्विसंकर संकरण, ठीक है। तो इस द्विसंकर संकरण के आधार पर इन्होंने जो नियम दिया था वो एक नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोगों के माध्यम से कुछ नियम निर्धारित किए थे। इन नियमों के आधार पर ही बताया कि जनकों से संतति में जो लक्षणों का जो संचरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का स्थानांतरण होता है, जो संचरण होता है, वो इन नियमों के अनुसार होता है, यानी उन लक्षणों की वंशागति इन नियमों के अनुसार होती है। इन नियमों को अपन देखने से पहले कुछ इस प्रकार की जो शब्दावली है उसको अपन देखेंगे, क्योंकि इन नियमों में बार बार इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के कुछ शब्द आएंगे तो जिनका अर्थ अपन को मालूम होना चाहिए, यानी जिनका जो शाब्दिक अर्थ या जिनका जो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अपन को पता होना चाहिए। तो जो इनसे संबंधित जो भी अनुवांशिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली, अनुवांशिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली, अनुवांशिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली, इसमें कौन कौन से शब्द काम आते हैं? जैसे एक होता है कारक, एक होता है जीन, इसके अलावा F1PD, F2PD, इसके अलावा होता है आपके प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, इसके अलावा होता है परीक्षण संकरण, संकर पूर्व संकरण, पूर्व संकरण, इसके अलावा होता है एलील्स, एलिल्स, इसके अलावा होता है युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। तो इस प्रकार से ये अनुवांशिकी से संबंधित कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहली बात करते हैं अपन कारक की। कारक क्या होता है? किसी एक लक्षण विशेष को जो धारण होता है, या किसी लक्षण विशेष को प्रदर्शित करने वाली जो इकाई होती है उसे कारक कहा जाता है। वर्तमान में इसको कुछ बदल करके इसी को ही, इसका जो मॉडर्न रूप है वो जीन के नाम से जाना जाता है। तो कारक को अब जीन में कन्वर्ट कर दिया है। पहले इसे कारक कहा जाता था, अब इसे ही जीन कहा जाता है। तो जीन की परिभाषा क्या होती है? किसी लक्षण विशेष को धारण करने वाली इकाई जो होती है उसे जीन कहा जाता है। किसी एक लक्षण को धारण करने वाली जो इकाई होती है उसे जीन कहा जाता है। अब जीन कहाँ व्यवस्थित होते हैं? जीन गुणसूत्रों के अंदर व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों का निर्माण केंद्रक में होता है। तो जीन DNA के बने खंड होते हैं, और ये कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्रों के अंदर जीन उपस्थित होते हैं। जीन शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखना। ये जो जीन शब्द है, ये जीन शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा दिया गया, जॉनसन के द्वारा दिया गया, ध्यान रखना। दूसरा है F1PD, F1PD यानी जब
दो जनकों के मध्य, ये दो इस प्रकार के विपरीत लिंग वाले जो जनक होते हैं उनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतति होती है उसे F1PD कहा जाता है। दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाने से उत्पन्न संतति F1PD कहलाती है। F1PD का जब आपस में संकरण करवाया जाता है तो जो प्राप्त होने वाली संतति होती है वो F2PD कहलाती है। इसी प्रकार से जो F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और जो F1PD में जो लक्षण संचरित नहीं हो पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इसके अलावा तो अभी तक आप देखिए ये अनुवंशिक से संबंधित कुछ शब्दावली है। इस शब्दावली की परिभाषा अपन अगले पार्ट में देखेंगे। तो इससे संबंधित ये जो भी यूनिट है इस यूनिट के बारे में आप देखिए समझिए। इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।